यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। तो अभी कितना दूर और चल के जाना पड़ेगा इन लोगों को? यहाँ से और मतलब 10 मिनट के दूरी पे चलते हुए जाना पड़ेगा, वहाँ से हम लोग नाव से उनको बाहर निकाल रहे हैं रस्ते के ऊपर। बिल्कुल, तो नाव से बाहर रस्ते के ऊपर निकाल रहे हैं, और जो पैसेंजर हैं वो आप देखेंगे कि अब इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं, और अभी लंबा सफर तय करना है सर, काफी देर से चल रहे हैं। हाँ, बहुत परेशान हो गए कल रात से, गाड़ी में बैठे रहे, कुछ आया नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, परेशान हो गए। पहले बोला बोट से छोड़ते, फिर बोलते हैं यहाँ से जाओ, मुश्किल। अभी आपको ट्रेन से निकाला, बोला है कि चलकर आपको जाना। हाँ, चल के जाना पड़ेगा ट्रेन से उतर के। अभी जाना पता नहीं, बोल रहे 5 किलोमीटर जाओ, 2 किलोमीटर जाओ, कुछ पता नहीं, परेशान हो गए। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो पैसेंजर है महालक्ष्मी एक्सप्रेस ट्रेन के, उनका एक काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस आप कह सकती हैं कि यहाँ पर रहा होगा, कि इस तरीके से पूरी रात इंतज़ार करना, उसके बाद इतने लंबे उससे आप कह सकते हैं रोड जो रेलवे ट्रैक है उससे चल के जाना, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे कि हर उम्र के लोग हम यहाँ पर देख रहे हैं। और ये तस्वीरें, ये देखिए तस्वीरें, जहाँ आप देखेंगे दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। बाढ़ और बारिश की विनाश लीला जिस तरह से देखने को मिल रही है, अपने आप में ये तस्वीर भयावह है। अंदाजा लगाइए उस मंजर का जब लोग अंदर फंसे हुए हैं। देखिए, आपको ये सिर्फ ट्रेन नजर आएगी, और ट्रेन के अलावा दोनों तरफ सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। बदलापुर ये इलाका है, मुंबई के पास का ये इलाका है, ठाणे में पड़ता है, और यहाँ पर बीती रात से ही लगभग बताया जा रहा था 12-13 घंटे से लोग इसमें फंसे हुए थे, क्योंकि इतनी बारिश हुई है इस पूरे इलाके में कि मलबा इकट्ठा हो गया ट्रैक पर, जिसकी वजह से ट्रैक जो है बाधित हो गया, और उसके बाद से ही लोगों के पास ना खाने को कोई चीज़ थी, ना पीने का पानी उनके पास कुछ था। अब ऐसे में अंदाज़ा लगाइए 12-13 घंटे इंतज़ार के बाद आज NDRF की टीम उनके पास कुछ समय पहले ही पहुंची है, लेकिन गनीमत की बात यह रही है कि अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। 500 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है। NDRF की टीम हमेशा की तरह इस बार भी देवदूत बनकर उतरी है, और दो तस्वीरों में आपको हम जैसा कि दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर में अब पुरुषों को निकाला जा रहा है। सबसे पहले जब रेस्क्यू का काम शुरू हुआ तो महिलाओं को वहां से निकाला गया, उसके बाद जो बुजुर्ग लोग थे उन्हें वहां से पहले रेस्क्यू किया गया, और अब जो बाकी बचे हुए लोग हैं जो पुरुष हैं उन्हें वहां से निकाला जा रहा है। यानी कि बहुत हद तक NDRF का जो ये ऑपरेशन है अपने आखिरी पड़ाव की तरफ आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं, लगभग 700 बताया जा रहा था, 700 लोग फंसे हुए हैं, लेकिन NDRF की टीम ने अपना हौसला दिखाते हुए हमेशा की तरह देवदूत बनकर यहां पर पहुंचा और लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। मुस्तफा शेख लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। मुस्तफा, ऐसे में जो NDRF बताया ये जा रहा है कि NDRF के साथ ही साथ, चूंकि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था, दूसरी टीमों को भी शामिल किया गया। बिल्कुल, यहाँ पर लोगों की सभी की मदद ली गई होगी, क्योंकि जो डर का माहौल उस वक्त जब मैसेज आया तब था, तब हर किसी एजेंसी जैसे कि CRPF और बाकी जो रेलवे की एजेंसियां हैं वो यहाँ पर पहुँची थी, और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में लोगों की यहाँ पर मदद की है। लेकिन हम जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो ग्राउंड पर हमें यही दिख रहा है कि जो लोग हैं वो बहुत उम्र दराज लोग भी यहाँ पर आप देखेंगे तो उनको चलकर कई मीटर तक, किलोमीटर तक चलकर जाना पड़ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेन से निकलने के बाद तो उनकी जो तकलीफें हैं वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। आप समझिए, बदलापुर रेलवे स्टेशन के हम पास में हैं, ट्रेन से उतर कर हर उम्र के लोगों को, जो अजमेर से आए, अजमेर से चल के जा रहे हैं, एक आधा किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर होते आया, चल के जा रहे हैं। यहाँ पर लोग अजमेर से आए हुए थे। मैडम, आप कहाँ से हैं? मिरज से, मिरज वरुण आले, परंतु इथं काल अडकून पडलो, मुलीकडे आलो होतो, आज जायला निघालो होतो, त्यामुळे नाहीतर इथं अडकून पडलो आम्ही। खरं पण पाणी वगैरे काहीच नाही, सकाळपासून पाणी नाही, काही नाही, पिणे के लिए पाणी नाही, नाही, ये बायपास का पेशंट आहे, तो भी पाणी नाही पिणे के लिए, कुछ खाने को नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। का हुआ है बता रही है मैडम, चलते रहिए आप दूसरों को भी, हाँ जो है वो चल, तो इनको भी आपको कह सकते हैं कि तबीयत आपकी ठीक नहीं, नाजुक रहती है, नाजुक रहती है, लेकिन 20 आवर्स का जो वेटिंग है उसका, और थोड़ा सा कोई इनटेक नहीं है, इसके लिए थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, लेकिन कुछ बात नहीं, इन्होंने जो स्टाफ है और जो हेल्पिंग जो ग्रुप्स है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये इनका कहना था कि
जैसे कि हम बताते सीनियर सिटीजन लोग हैं जो जिनको दवाइयों की जरूरत थी और जिनको नाजुक तबीयत रहती है उनका काफी बुरा हाल। लेकिन यहाँ पर इस बीच ये समझना चाहेंगे कि बीते रात से ही लोग यहाँ पर फंसे हुए थे। बताया जा रहा है कि कई 12